अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक अहम फैसला अदालत की जानिब से बाबा रामदेव के प्रोडक्टों पर दिया गया। फैसले में कई प्रोडक्टों का दावा झूठा साबित किया गया और इस पर कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है। आज इस बात पर तबसरा इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोग भगवा लिबास या धर्म की आड़ में किस हद तक अवाम को धोखा देते हैं और भारत के अवाम ऐसे ढोंगी बाबाओं को किस तरह हाथों हाथ उठा लेती है और सालों साल ठगती रहती है। आपने कभी शॉपिंग मॉल में देखा होगा कि लोग किस कदर अपनी ट्रॉलियों में पतंजलि के प्रोडक्ट भर भर के डालते रहते हैं। दिगर अच्छी चीजों को खरीदने की बजाय नकली माल को बड़े ही खुश होकर और फख्र के साथ खरीदते हुए देखा जाता है। फिर उसे हिंदुत्व का टच भी दिया गया है तो जाहिर है उसे खरीदना एक तरह से नेकी समझा जाता है। अरबों खरबों का फायदा सिर्फ झूठ की बुनियाद पर एक शख्स हासिल करता रहता है। इसकी क्या वजह है कि बाबा रामदेव की चीजों पर लोग अंधे बनकर खरीदते रहते हैं? इसकी असल वजह यह है कि झूठ को इस अंदाज में बेचा जाए जिसे लगे कि एक तो हम इस चीज को खरीद कर धार्मिक काम यानी कि एक पुण्य का काम कर रहे हैं और दूसरा देश सेवा कर रहे हैं। इससे पहले भी इश्तिहार में बाबा रामदेव ने अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को बताकर अपने प्रोडक्ट किस हद तक देश की भलाई के लिए अच्छे हैं कहा था। नमक के इश्तिहार को तो लाखों साल पुराना ऋषि मुनियों ने इस्तेमाल किया वगैरह। बात यहां तक पहुंची कि बाबा रामदेव ने कोरोना में एलोपैथिक इलाज को ही बेवकूफी कहते हुए बाबा रामदेव की कोरोनिल किट के दावे को अदालत जाने की नौबत आई। एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टर के खिलाफ तंज और तौहीन आमोज़ अल्फाज बाबा रामदेव ने इस्तेमाल किए। दरअसल तमाम हिमायत वजीर आजम मोदी की पुश्तपनाई से हासिल हो रही थी ऐसा कहा गया। लिहाजा बाबा रामदेव अपने झूठ का कारोबार जोरों पर चला रहा था क्योंकि भारत में ऐसा है कि जो भी सत्ता में बैठे मोदी शाह की हिमायत हासिल करता है उसे यहाँ का कानून भी अदालतें भी इंतजामिया भी कुछ नहीं कर सकती। पर कोरोना को लेकर आलमी सत्ता पर संजीदा लिया गया था। पूरे आलम में कोरोना को लेकर हंगामा था। लाखों करोड़ों लोगों की मौतें भी पेश आई थी। किस तरह झूठ फैलाकर बाबा अपना कारोबार चला रहा था। लेकिन एलोपैथी और डॉक्टरों पर टिप्पणी बाबा रामदेव को महंगी पड़ी। भारत के ड्रग इंडस्ट्री पर ही एक तरह का कब्जा शायद बाबा रामदेव बनाना चाहते थे। लेकिन कभी कभी मुफ्त में मिली कामयाबी हजम भी नहीं होती। आज अदालत का फैसला इस बात को जाहिर करता है कि सत्ता में बैठे जुमलेबाज बाबा और बाबा रामदेव दोनों का भी टाइम खराब चल रहा है। वैसे भी सत्ता जाने का डर जुमलेबाज बाबा को हो रहा है तो अब बाबा रामदेव की हिमायत में अदालतों पर दबाव डालना भी आसान नहीं रहा। डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज किया और जाहिर है डॉक्टर पेशा को बदनाम और नाकारा कहकर तमाम डॉक्टरों से एक तरह का पंगा ही बाबा रामदेव ने लिया था। अदालत ने बाबा रामदेव को माफी मांगने को कहा जिसके बाद मुजरिम की शक्ल बनाकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों ने माफी मांगी। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि जिस तरह अखबारों के पन्नों पर बड़े बड़े इश्तेहार दिए जाते हैं उसी तरह माफीनामा भी शाया होना, क्योंकि कुछ अखबारों में छोटे माफीनामे शाया करके बदनामी से बचना भी बाबा रामदेव चाहते थे। लेकिन अदालत ने इस चालाकी को भी समझकर बड़े इश्तेहार की तरह माफीनामा शाया करने को कहा जिस पर अमल भी किया गया। बाबा रामदेव को अंदाजा आ गया कि अब झूठ का कारोबार चलाना है तो माफी मांगकर निकलना ही बेहतर है। पर मामला सिर्फ माफी मांगने तक ही नहीं रुका बल्कि कई दवाइयों का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया। वैसे तो एक अरसे से बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स पर एतराजात पेश किए जाते थे लेकिन जिस तरह का टच दिया गया था हिंदुत्व हो या देशभक्ति का देश सेवा का उससे लोग ठगे जा रहे थे। बयानबाजी पर बाबा रामदेव ने गलती हुई दोबारा नहीं करेंगे जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। जस्टिस अमानतुल्लाह, जस्टिस बलबीर, जस्टिस हीमा कोहली ने पतंजलि और बाबा रामदेव को जमकर लथड़ा। पतंजलि की दवाइयां जो मर्ज और सेहतमंदी का दावा किया जा रहा था सरासर झूठा साबित हुआ। लिहाजा बाबा रामदेव के लाखों करोड़ों के कारोबार को झटका लगाया। अब धीरे धीरे आवाम की भी समझ में आ रहा है कि किस कदर धर्म का वास्ता देकर और झूठ परोस कर भारत के लोगों को ठगा गया। इस बात पर तबसरा चुनाव के नजदीक इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि धर्म के नाम पर ही तो सत्ता में बैठे हुए हैं। अब सत्ता में बैठने वालों की भी फजीहत हो रही है और साथ में अंधभक्तों को नींद से जागने की वारदातें पेश आ रही है। हर छोटे बड़े गांव में आपको पतंजलि के आउटलेट नजर आएंगे। इश्तेहारबाजी भी किस तरह भगवा लिबास पहनकर अपने आप को साधु की तरह पेश कर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने की थी। कहने का मतलब दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। योग गुरु से लेकर मुल्क का सबसे बड़ा ताजीर बनने के लिए धर्म और जज्बात के सहारे अवाम को ठगा गया। आज भाजपा के पास भी बाबा रामदेव की तरह अवाम को बताने के लिए कुछ भी नहीं रहा। यकीनन कुछ अंधभक्त आज भी जिंदा है।
इन्हें मोदी की भक्ति ने अंधा बना दिया है। पेट्रोल, गैस, आटा, दाल, अनाज भले हजारों रुपए महंगा हो जाए, वोट तो मोदी को ही देंगे की बात कहते हुए देखने को मिल रहा है। पर जब हकीकत सामने आती है तो अंधभक्ति का नशा उतर जाता है। उसके लिए वक्त लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे अंधभक्तों का नशा उतरते हुए देखने को मिल रहा है। बाबा रामदेव की दवाइयों का लाइसेंस अदालत ने रद्द कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रभक्ति देश सेवा का बहाना मत बनाइए, देश सेवा की झूठी कहानियां मत सुनाइए। अब धीरे धीरे झूठे बाबाओं का पर्दाफाश हो रहा है, झूठे जुमलेबाज भी बेनकाब हो रहे हैं। एक फैक्ट चेक के हिसाब से कांग्रेस हुकूमत को लेकर पीएम मोदी ने जितनी भी रैलियां की है सिर्फ झूठ ही बोले हैं। मंगलसूत्र हो या हिंदुओं की मिल्कियत को कांग्रेस मुसलमानों में बांटने की बात हो, मिल्कियत का स्कैनिंग करने की बात हो, मुसलमानों को घुसपैठिए या बहुत बच्चे पैदा करने वाले वगैरह, ये 21 से 25 अप्रैल के दरमियान के जितने भी बयान हैं ये झूठ पर मुनहसर है। इस तरह का एक रिपोर्ट सामने आया है। सत्ता से बेदखल न हो इसकी कमजोर कोशिश भाजपा मोदी शाह कर रहे हैं, पर झूठों को बेनकाब होते देखने को मिल रहा है। फिर देश के वजीर आजम हो या फिर योग गुरु से खरबों के मालिक बने बाबा रामदेव हो, अदालतों के सख्त फैसले से इतना तो आवाम को जरूर लग रहा है कि धर्म और देशभक्ति की आड़ में झूठ ही परोसा गया है, जिसका खामियाजा तो इसी देश के आवाम को ही भुगतना पड़ सकता है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।